एसएमसीएच के अर्थोवार्ड है, महिला अर्थोवार्ड। मैं अरुण कुमार शाही अभी एसकेएमसीएच में पहुंचा, जहां कई मरीज के परिजन अस्पताल अधीक्षक से मिले और यहां की समस्याओं को उनके समक्ष रखा। ये अस्पताल है जहां की महीनों दिन से मरीज पड़े हुए हैं। यहां नहीं तो डॉक्टर समय से आते हैं और न उनका समुचित इलाज होता है। पैर में ईंटा लटका करके दो दो महीने तक छोड़ दिया जाता है। ईंट पत्थर से यही इलाज चल रहा है अर्थों का। यहाँ के मरीजों का यह कहना है कि यह मेरा हड्डी की जो पीड़ा है, इससे ज्यादा पीड़ा हमें इलाज की झेलना पड़ रहा है। न तो डॉक्टर का नाम पता चलता है, कई कई बार ओटी में ले जाते हैं, वहां से रिटर्न कर देते हैं। पता नहीं चलता है कि इस अस्पताल में मेरा इलाज होगा या नहीं। इतनी परेशानी दी जा रही है, इतनी प्रताड़ना मैं का शिकार मैं बन रहा हूँ, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। ये सारे मरीजों का कहना है, ये मेरा नहीं कहना है। अस्पताल अधीक्षक ने भी पर संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि मैं इसके संबंध में मैं विभागाध्यक्ष से बात करता हूं। यहां के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार से मैंने संपर्क करने के लिए प्रयास किया है, लेकिन राजेंद्र बाबू से अभी बातचीत नहीं हो पाई है। 9-10 दिन हो गया। हाँ, ईटा लटका दिया। ईटा लटका दिया, 9-10 दिन हो गया। अच्छा। कोई भी सर देखने में या सूजन भी पैर में हो गया, पूछते हैं। कोई डॉक्टर नहीं देखने आया? क्या नाम है पेशेंट का? शीला देवी। अच्छा, देखिए जब पूछते हैं। कहाँ से हैं? घर जारंग है। अच्छा, पूछते हैं तो यही बोलते हैं सर कि पता नहीं कब आएंगे नहीं आएंगे, हम लोग नहीं जानते। तो क्या सर, कौन बताते हैं? पूछते हैं तो यहीं पर सब बोलते। अच्छा। हैं कि नहीं नहीं हम लोग नहीं जानते कब आएंगे नहीं आएंगे। आपका तो आप लोग इसकी शिकायत कंट्रोल रूम में अस्पताल अधीक्षक से नहीं करते हैं? कोई भेटे नहीं होते हैं तो क्या कोई अधीक्षक से मिलना चाहिए? कितना पैर में सूजन? अच्छा, तो आप अधीक्षक सर खाने खाने थोड़ी आए हम लोग, पेशेंट ठीक होगा चल जाएंगे। पथ सिर्फ मिलता है, सेब संतरा नाश्ता भोजन मिलता है, लेकिन इलाज नहीं होता है। मिलता है मैंने सेब संतरा यही सुबह में मिलता है। इतना इजीली दर्द कर रहा है ना कि से कोई देखते नहीं करता। वही जैसे हम लोग जैसे वही ईटा लगा रहे। कोई इलाज नहीं, कोई देखने नहीं आता है? नहीं कोई देखने आता है। देखने आता तो परे परे बीमार हो रहे हैं एकदम परे पर हालत। दोबारा बीमारी हो जाता है। यही बात होता है, ओटी बंद है, ओटी के डॉक्टर को कोरोना हो गया। कोरोना हो गया, दो बेर से खून ले जाते हैं। एक बेर में तो रिपोर्टो नहीं दी है, एक बेर खून चलेगा। क्या समस्या है आपका? अपने नाम और परिचय के साथ बताइए। हाँ, क्या नाम है? आनंदी देवी। आनंदी देवी कहाँ से हैं? शिवराहा चतुर्भुज। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? हाथ में टूटा हुआ है, फ्रैक्चर है। अच्छा, ऑपरेशन होने वाला है लेकिन डेट 3-4 रोज से बोलते हैं जब कल होगा लेकिन नहीं करते हैं। कितना दिन से भर्ती हैं? 15 रोज से। 15 दिन से भर्ती हैं जी। अच्छा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि कल करेंगे डेट कल दे को बढ़ाते हैं सीधे। आज शायद बोले हैं जब फिर से कोरोना जांच का सब चार्ज कराए हुए हैं, लेकिन फिर से आज बोले हैं जो कोरोना जांच है। ये लड़की बोल रही थी कोरोना, क्या इन्हीं के विषय में अभी शिकायत आपने किया है? जी जी। हाँ, 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 क्या क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सीमा कुमारी हुआ। हाँ, क्या दिक्कत है बोलिए। दादी का ऑपरेशन कराना है। ठीक। अच्छा, एक्चुअली हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग यहाँ पर कितना दिन रहेंगे, हमारी फैमिली नहीं है, फैमिली नहीं। अच्छा, तो इनको इनके साथ क्या परेशानी हुई? इनके साथ परेशानी है, दर्द ज्यादातर तौर पे है। अच्छा, और मतलब ऑपरेशन करवाना है, बार बार जाकर ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ टाइम दिया जा रहा है। टाइम पर टाइम दिया जा रहा है। कितना दिन से है? 15 रोज से है। 15 दिसंबर से। रीता देवी। अच्छा, क्या दिक्कत है, क्या हुआ है बच्चे को? बच्चा के 1 महीना से पैर टूटा हुआ है, 1 महीना से भर्ती है। मैंने खुद डॉक्टर कभी 12 बजे आते हैं, कभी 1 बजे आते हैं, कभी हैवे नहीं करते। अच्छा, क्या कर रहे हैं बच्चे के लिए? बच्चे के लिए कहते हैं ऐसे बुध कर ऑपरेशन कर देंगे, बुध के आते हैं तो शनिवार के करेंगे, शनिवार के आते हैं तो कोई कुछ बोलवे नहीं करते। क्या दिक्कत है? 2 महीना आयल हो गया, खून चढ़वा लिया, खूनो चढ़ाला 25 दिन हो गया, ऐसे आयला 2 महीना हो गया। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीनिया देवी। अच्छा, आज कहे आज कर दे बिहान कर दे, 2 महीना से टंगा खून चढ़वा ले बिहार। अभी तक मतलब आपका इलाज नहीं हो रहा है ढंग से? हाँ। सिर्फ ईंटा लगा दिया गया है? हाँ, ये ईंटा लगा के इलाज चल रहा है? हाँ, ये है। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 महीना से इसी तरह से परेशान है। हाँ, कैसे हो गया था पैर में, क्या हुआ था? मैंने चौकी पर सुतल ही रात में तो गिर गई। कहाँ घर है? रुन्नी सैदपुर में। अच्छा अच्छा,
यही परेशानी है सभी लोगों को। नाम हुआ आपका? कलावती देवी। कहाँ घर हुआ? साहेबगंज से हैं। क्या दिक्कत है, क्या हुआ? घर टूट गया है। पैर टूटा हुआ है दोनों? कैसे? मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया था। तो क्या दिक्कत है, क्या इनके साथ दिक्कत है, इनकी क्या शिकायत कर रहे थे अभी आप अधीक्षक महोदय से? 22 तारीख के यहाँ हम एडमिट किए। अच्छा, 22 तारीख से सर एक महीना दिन हो गया। अच्छा, उसके बाद में अभी तक लेना इस परसेंट का ना, अभी तक ले पैर का दोनों का स्थिति बहुत डाउनटोल है, घाव होने जा रहा है, घाव बढ़ता जा रहा है। घाव देखिए, यहाँ भी थोड़ा घाव हो गया है। अच्छा, इससे बदबू आ रहा है? बदबू नहीं, ये देखिए सर, ये पैर है, ये पैर पूरा ऐसे ठीक हो जा रहा है, ये हाथ इधर टूटा हुआ है। ठीक ठीक ठीक, बोलिए फिर क्या हो रहा है। उसके बाद में सर इतना करते हुए टोटल इतना रिपोर्ट बोले एम्बुलेंस छपरा से करा के आए। प्राइवेट से क्यों कराए? ये सर बोले कि यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, यह मशीन खराब था, सर को भी बोले हुए थे। हाँ, तो बाहर से जांच कराए, चारों बस से जांच करा के उसके बाद में परसेंट के रखे। 28 तारीख को हमने कोरोना जांच के लिए बोले तो कोरोना जांच भी किया। अच्छा, तो वो सही था, तो सर बोले कि हो जाएगा। उसके बाद में फिर वैसे दो दिन ओटी में गए, ओटी से दो बार लेके जाते हैं भारी शरीर, फिर भी लेके आते हैं, ऑपरेशन नहीं होता, फिर भी अब जांच कराएंगे, कोरोना जांच हुआ, फिर भी सर का देखिए जो उनका ओटी नहीं पड़ेगा उस दिन। बार बार ओटी से आपको वापस किया जा रहा है? दो बार हो गया। दो बार लोग ले गए, दोनों बार वापस कर लिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अब होगा, अब आगे बार होगा, मंगलवार का डेट पर डेट। अब इन्हीं के संबंध में शिकायत आपने दर्ज कराया है? चलिए, थैंक यू। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।